दोस्तों, और एक आईपीओ है वेस्टर्न कैरियर्स की। आईपीओ जो है ना लॉजिस्टिक सेक्टर से है। आईपीओ लगभग 492 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ आज से खुल गया है और क्लोजिंग है इसका 18 तारीख को, वेडनेसडे को इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो है आपको लिस्टिंग है मंडे को, 23 सितंबर को उसकी लिस्टिंग है। और चलिए आईपीओ को देख लेते क्या है भाई। लॉजिस्टिक कंपनी है, लॉजिस्टिक में आपको पता ही है। और ये कंपनी करती क्या है, नॉर्मली रेलवे जो फोकस्ड लॉजिस्टिक उसमें ज़्यादा उसका वो है, और पोर्ट में जो लॉजिस्टिक होता है, जैसे इसकी कंपनी जो लॉजिस्टिक में रेल, वाटर, एयर, ट्रक, हर तरह की लॉजिस्टिक में काम करती है। इसकी कंपनी कौन कौन, FMCG कंपनी में इसकी है जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह है, इंजीनियरिंग है, ऑयल है, गैस है, सारी कंपनी है इसकी। और इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी इसका अच्छी वो है। और इसकी टोटल जो है कस्टमर है 1100 करीब कस्टमर है, उसके एम्प्लॉय 1350 एम्प्लॉय। चलो एसेट देख लेते हैं। एसेट भी इसकी इंक्रीजिंग है, रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए इंक्रीजिंग ही है। और इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 22% अच्छा है। लेकिन कंपनी में थोड़ी सी डेप्थ है, 0.67% हुई थी कंपनी, चिंता की बात है। फेस वैल्यू 3.4 है। ROC भी ठीक है, EPS भी ठीक है, PE 16 की है। चलिए इसकी हम देख लेते हैं जो PR कंपनी क्या क्या है। PR कंपनी आएगी इसकी कंटेनर कॉर्पोरेशन, जो 15 की PE चल रही है, इसकी PE चल रही है अब किस लगभग, क्या कहते हैं, इसकी PE चल रही है, इसकी PE चल रही है अब किस 16 की, और EPS चल रही है 10 की। चलिए मैं इसका देखिए, इसका डेप्थ देख लेते हैं। देखिए इसका कटरा कॉर्पोरेशन में कोई डेप्थ नहीं है, 0 है। AGS लॉजिस्टिक की 0.43 है, TBS सप्लाई चेन का 0.45 है। डेप्थ थोड़ा सा वो है, बाकी चलिए इसका GMP क्या देख लेते हैं। कंपनी का GMP क्या चल रहा है, GMP इसकी चल रही है 33% GMP। आज ही GMP में देखिए 57 रुपीज़ का हाई गया है, 172 का 57, 33 GMP। देखिए वेरी कर सकता है, मैं तो बोलूँगा लास्ट डे देखिए सब्सक्रिप्शन करना है कि नहीं करना है, लास्ट डे देखिए। अगर QIB में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन है तभी कीजिएगा, वरना है सब HNI NIO पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, ये पैसा निकल जाएगा उसी दिन। QIB की सब्सक्रिप्शन रहेगा ज़्यादा तभी आप इसमें सब्सक्रिप्शन कर सकती है। कंपनी ठीक है, लेकिन एक ही थोड़ा सा डेप्थ है, 0.067%, लेकिन 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। बोलता है कि अच्छा जो कंपनी होती है उसकी डेप्थ 0.5 से कम होनी चाहिए। चलिए डेप्थ रिटर्न कंपनी है, लेकिन फिर भी IPO इस टाइम में आया है भाई, मार्केट बुल चल रहा है, हर चीज़ में गेन मिलेगा, प्रॉफिट गेन लीजिए। लेकिन मैं बोलूँगा लास्ट डे देखिए, लास्ट डे तो देखिए, अगर आपका सब्सक्रिप्शन ठीक हो रहा आज के दिन में, देखिए सब्सक्रिप्शन क्या हुआ इसका, सब्सक्रिप्शन इसका आज के दिन में क्या हुआ, देखिए आज के दिन में इसका सब्सक्रिप्शन रहा इस कंपनी में, कहाँ है सब्सक्रिप्शन भाई, हाँ आज के दिन में सब्सक्रिप्शन रहा। देखिए SNI का 0.66%, QIB का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, NIO का हो गया है। और रिटेल का देखिए, रिटेल सबसे पहले कर देते हैं भाई, 1.54% है रिटेल का। टोटल इसके सब्सक्रिप्शन रहा है 0.85 गुना, तो अभी तक पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। मैं बोलूँगा QIB का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है नॉर्मली लास्ट डे में, लास्ट डे देखिए वो भी कितने बजे, 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है, 2 बजे देखिए QIB का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होती। अगर आप QIB का सब्सक्रिप्शन 20% तक हो जाता है, मतलब 20 गुना तक हो जाता है, तभी इसमें लिस्टिंग गेन आपको 30% मिल सकता है। बाकी मैं तो बोलूँगा कि भाई वेट एंड वॉच कीजिए, टाइम है, टाइम की क्या करना है आपको, लिस्टिंग गेन आपको 20% मिल जाता तो क्या दिक्कत है भाई। तो देखिएगा QIB होगा तभी कीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।